एमपी चुनाव के लिए सपा की एक और लिस्ट जारी, 35 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, 5 के बदले टिकट। सीएम शिवराज के खिलाफ लड़ेंगे मिर्ची बाबा। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। शुक्रवार यानी कि 27 अक्टूबर को देर रात जारी की गई सपा की इस नई लिस्ट में 40 प्रत्याशियों के नाम हैं। इनमें 35 प्रत्याशियों के नए नाम हैं और 5 के टिकट बदल दिए गए हैं। अपनी नई लिस्ट में सपा ने मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। सपा ने बुधनी विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने मिर्ची बाबा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं मुरैना विधानसभा क्षेत्र से राकेश कुशवाहा और अम्बाह विधानसभा क्षेत्र से अनीता सिंह चौधरी को मैदान में उतारा गया है। समाजवादी पार्टी ने सिंगरौली की देवसर सीट से डॉक्टर सुषमा प्रजापति को टिकट दिया है। वहीं सीहोर की आष्टा सीट से अम्बा राम मालवी को टिकट मिला है। सतना जिले की सतना विधानसभा सीट से हाजी मोइन खान को मैदान में उतारा गया है। वहीं सतना के अमर पाटन से समाजवादी पार्टी ने बाल कृष्ण यादव पर भरोसा जताया है। इसके अलावा पन्ना की पवई सीट से रजनी यादव चुनावी मैदान में उतारी गई हैं। वहीं अनूपपुर की कोतमा सीट से रिटायर्ड आईएएस विनोद सिंह बघेल को टिकट दिया गया है। उधर ग्वालियर के भीतवार से संत राजेश गिरी चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जबलपुर कैंट सीट से देवेंद्र यादव और जबलपुर उत्तर मध्य सीट से रंजना कुर्मी को टिकट मिला है। किन 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने टिकट बदले हैं वो भी आपको बताते हैं। छतरपुर जिले की बिजावर सीट से रेखा यादव को टिकट दिया गया है। इससे पहले यहां से मनोज यादव को मैदान में उतारा गया था। उधर निवाड़ी से पहले शिवांगी यादव उम्मीदवार थी, लेकिन अब मिनी यादव को टिकट दे दिया गया है। तीसरा नाम है पन्ना के गुन्नौर का, जिस पर जितेंद्र कुमार दहायत के स्थान पर अमिता बागरी पर भरोसा जताया गया है। रीवा के देव तालाब से राम यज्ञ सोंधिया की जगह सीमा जयवीर सिंह सेंगर को टिकट दिया गया है। भिंड की गोहद सीट से मोहन लाल माहौर के स्थान पर सपा ने जितेंद्र खटीक उर्फ बंटी को मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर मध्य प्रदेश चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन आखिरी वक्त में दोनों के बीच मन मुटाव हो गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में दरार पड़ गई। टिकट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को धोखेबाज बताया, जिसके बाद से अब सपा एमपी में पूरे दम खम के साथ अकेले चुनाव लड़ रही है।